ओम शांति। आज 15 मार्च 2010 की अव्यक्त वाणी है। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो और व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं? माना कोटि करोड़ को कहा जाता है और करोड़ों पुरुषार्थी बच्चों में कोई कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हो। किस समय? संगम युग में भी नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा प्यार का अनुभव वो ही कर सकते हैं जिन्होंने पुरुषों में उत्तम पार्ट बजाने वाले पुरुषोत्तम को पहचान लिया है। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार अभी सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? परमात्मा हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहते हैं। और मेरे दिल में समाए रहते हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो ये परमात्म प्यार का नशा हमें ही करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी होती है उसके ऊपर कुर्बान जाना। तो परमपिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं वो तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही कहना है, यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। बाप समान बने? बना? बाप समान बिंदी बन जाए, शरीर छोड़ दे? अरे बाप को शरीर है, वो तो निराकार है, तो बाप समान कैसे बनेंगे?
जैसे बाप मुकर्रर रथ साकार में होते हुए भी निराकार हो जाता है, ऐसे एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी सेकंड में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बने, जानते हो ना वो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? वो श्रेष्ठ स्थिति है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी यह पवित्रता आ नहीं सकती, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बनी रहे, बना रहे हो ना, जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम वो निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में ये चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व किसी के अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के असो संकल्प में मैं ये शब्द कम नहीं है, मैं सब जानता हूं, ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, मेरा मानना ही ऊंची बात है, ये मेरेपन का अभिमान का संकल्प ये भी सूक्ष्म अपवित्रता का नशा है, अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार की अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे हो, आप ही निमित्त बने हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है, तो चेक करो किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया पवित्र राज्य समीप आ रहा है, दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख और अशांति का कारण अपवित्रता है, तो अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए, वाणी की सेवा। तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर से धूमधाम से चल रही है, अपना उलायना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए और वो है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत उमंग उत्साह देना।
तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसलिए बाप दादा ने कहा कि हरेक बच्चा अपने को पूर्व समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज हो और पूज्य भी आप ही आत्माएं हो। फाउंडेशन माना है जो पहला पहला नींव का पत्थर डाला जाता है, पहली पहली ईंट जमाई जाती है फाउंडेशन में, उसे नींव का पत्थर कहा जाता है। वो जड़ पत्थर होता है। आप चैतन्य आत्माएं चैतन्य फाउंडेशन हो, चैतन्य कल्प वृक्ष का फाउंडेशन। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं, तो आप बच्चों के पास भी उनों की पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन भी रहे हैं और कोई कोई बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख शांति और संतोष आत्माओं में बहुत कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, उससे बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है। लेकिन अभी एक सेवा और भी रही हुई है। अभी तक ये आवाज तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्माओं को अच्छा बना देती है। ये जो अशुद्ध व्यवहार अशुद्ध खान पान अशुद्ध बातें हैं, उनसे मुक्त कर देती है। 15:3:10 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। तो गवर्नमेंट भी चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वो सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अभी तो बाप आया हुआ है, परमात्मा बाप आ गया है, और परमात्मा ज्ञान यह ब्रह्मा कुमारियां दे रही है। कहती है मेरा बाप वर्षा देने आया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। अच्छा अच्छा ये बात तो फैल गई, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप की तरफ पहचान, जिसको याद करते हैं वो ज्ञान, वो वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी ये आपस में प्लान बनाओ।
किससे बोला है? अरे बोला किससे? बोला कि अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों से बोला। इस्लाम कुमारियों से नहीं बोला। बौद्धी या क्रिश्चियन कुमारियों से नहीं बोला। क्योंकि अष्टदेवों का फाउंडेशन लगने के साथ साथ और धर्मवंशियों का भी फाउंडेशन लग रहा है, तो किससे बोला? ब्रह्मा कुमारियों से बोला। कितने परसेंटेज होंगी? 10 में से एक निकलेंगी, क्योंकि 10 धर्म है नास्तिक को मिला के, उनको भी जिंदा रहने का हक है। तो उन 10 धर्मों में से सिर्फ एक ही का चुनाव होता है, जो अशुद्ध व्यवहार को खत्म करने का काम करती है। उसके नयनों में बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए, अपने चेहरे से और चलन से बाप की प्रत्यक्षता हो। तो अभी ये प्लान बनाना है। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम कदम बना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब भी नहीं ले सकेंगे। बाप को रहम आता है, बच्चों का दुख, बच्चों की अशांति, अशांति का वायुमंडल देख नहीं सकते। और बाप और आप जानते हो कि अशांति का वायुमंडल तो और भी अति में जाना है। क्यों? क्योंकि अति का अंत हो जाता है। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है, सुख और शांति का भरपूर वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि ये बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन इन ब्रह्मा कुमारियों को सिखलाने वाला कौन है? ब्रह्मा कुमारियों का, ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन है? अभी समय को समीप लाना है, क्योंकि समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन? अच्छा, वो करता है कि अकरता है? बाप तो अकरता है, करनहार कहा जाता है, लेकिन किसके द्वारा? किसके द्वारा करनहार?
ब्रह्मा द्वारा करणहार, वो पार्ट अभी चलने वाला है, चल रहा है या पास्ट हो चुका? तो बाप तो करता है, बच्चों से करा के छोड़ेगा। तो बाप ने ये बच्चे, ये जिम्मेवारी अपने बच्चों को दी है। सन्स होज फादर। कोई कोई जब बाप को जानते तो देखो, आप सब ने बाप को जाना तो क्या किया, क्या कहते हैं, खुशी की लहर दौड़ जाती है, पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा वन वर्ष के अधिकारी बन गए। तो अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए? वो खुशी प्राप्त करने वालों की खुशी लेने की क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। ये क्यों होता है, ये क्या हुआ, ये कैसे होता है, अभी इस समाप्ति में समय जाया कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। ये व्यर्थ है, समर्थ बनने में रुकावट डालते हैं। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन, समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, स्वयं समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। व्यर्थ की समाप्ति का दिवस मनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुश किस्मत का अनुभव कम कर देते हैं, इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको लाना है? आपको ना, जो समझते हैं कि भी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं ना आवे, संकल्प को छोड़ो लेकिन स्वप्न में भी ना ना आवे। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठा रहे हो ना, ये बाहों का हाथ उठाना तो बहुत इजी है। जो मन का हाथ उठा रहे हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, आज के VIP उठो। जो आज विशेष VIP आए हैं वो उठो। यहाँ बैठे हैं ना बाप दादा आए हुए VIP को बोलते हैं। VIP का अर्थ है जो स्नेही है, सहयोगी है, और कर्तव्य जो चल रहा है उस कर्तव्य से प्यार है, बहनों से प्यार है, भाइयों से प्यार है, उसको कहते हैं VIP, अर्थात स्नेही सहयोगी। तो अभी क्या बनना पड़ेगा? VIP तो हैं और बाप दादा भी खुश है, तो अभी क्या बनेंगे?
एक छोटी सी बात बताते हैं। बाप दादा कहते हैं स्नेह बहुत अच्छा है, याद भी करते हैं और बाबा शब्द भी मन से निकलता है। बाकी एडिशन चाहिए, वो एडिशन क्या है? वो एडिशन है सहयोगी की लिस्ट में आओ, सहयोगी सो योगी तो बनेंगे सहज योगी। एक एक कदम तो उठाया लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? एक कदम उठाओ उससे आगे बढ़ेंगे, फिर आगे है? अरे एक कदम उठाया ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? फिर दूसरा कदम भी उठाना पड़ेगा। तो बाप दादा की यही आस है स्नेही बच्चों के प्रति, जो सहयोगी बच्चे हैं उनके प्रति साथ साथ सहज योगी भी बनो। सहज योगी बन सकते हैं ना? बन सकते हैं, मुश्किल कुछ नहीं होगा, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा और ही योग की शक्ति मदद करेगी, आपके कार्य में वृद्धि होगी। तो बाप दादा को स्नेही सहयोगी बच्चे याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हो। क्योंकि एक बात के लिए लोग घबराते हैं, सोचते हैं शायद घर बार छोड़ना पड़ेगा। 15/3/2010 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। लेकिन आप सब घर में रहते, स्नेह और सहयोग में चलते तो आपको देख करके उनमें भी उमंग उत्साह आएगा, आपकी सेवा हो जाएगी और अनेकों की तकदीर का ताला खुल जाएगा। तो पसंद है? अगर पसंद है तो हाथ उठाओ। अभी बाप दादा वरदान देते हैं, आपने हिम्मत रखी तो हिम्मत का फल बहुत मीठा होता है। तो बाप दादा ये वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाले नई दुनिया में 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। यहाँ कितनी मेहनत करते हो वहां कोई भी मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, तो ये आपको 21 जन्म की गारंटी है। बाप दादा को मंजूर है और आप सिर्फ एक बात करो, रोज आश्रम में नहीं आ सकते हो तो एक बार फोन तो कर सकते हो। ये कान का फोन है ना, ये तो करो। आपके कनेक्शन वाली जो टीचर है उससे भी अपना टाइम फिक्स करो, बोलो कि इस समय हम फोन करेंगे और उसमें रोज का जो महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं, वो वरदान और शुरू का जो होता है आरंभ, वो सुनो। बाप दादा ऐसा क्यों कहते हैं? अगर करना है तो हाथ उठाओ। अच्छा, आजकल के जमाने के हिसाब से बातें बहुत बदलती जाती है, गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं और मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है। इसके लिए हर एक के जीवन में बातें तो आवेंगी ही, व्यर्थ बातें आवेंगी। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए।
व्यष्ट को खत्म करने के लिए व्यष्ट संकल्प चाहिए। वो व्यष्ट संकल्प रोज मुरली से सुनने हैं वरदान के रूप में। वरदान जो है वो श्रेष्ठ संकल्प है। जब कभी भी व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प को मन में लाओ। मन खाली नहीं रह सकता, मन को कुछ न कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और सोलोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। ये तो कर सकते हो ना, कर सकते हो, कोई करते भी होंगे, क्योंकि बाप को यही आप अनुभवी बनाओ, औरों को अनुभवी बनाने में बहुत सेवा कर सकते हैं। अभी समय बहुत फास्ट जा रहा है, तो फास्ट समय में आपकी सेवा भी फास्ट होगी। तो बाप दादा को आप सब आए ये खुशी है, बच्चों को देखा, चाहे कभी कभी आने वाले हैं लेकिन हैं तो बच्चे ना, तो बच्चों को बाप तो देखेगा। इसलिए आप सिर्फ थोड़ा समय जब अमृत वेले उठते हो तो भले बेड पर लेटे हुए हो, आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। इतना तो कर सकते हो। देखो कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है, कोई खराब को देख लेते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, सारा दिन खराब हो गया। तो बोलो अब आपको अच्छे से अच्छा कौन मिला है? शिव बाबा मिला है। आपको शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो बोलो शिव बाबा है, क्या कहेंगे? बेचारे नहीं जानते हैं कि किससे गुड नाइट करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए। तो जितना उनमें नॉलेज है उतनी बात तो बताओ। क्या बताओ? सोते समय भी गुड नाइट करके सो जाओ। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि बाबा जानते हैं ये बेचारे प्राइमरी नॉलेज लेने वाले ही है, ये गहरी नॉलेज लेने वाले नहीं है, ये बाप के राज परिवार में आने वाले नहीं है। क्या बनने वाले हैं नई दुनिया में 21 जन्मों में? साधारण प्रजा बनने वाले हैं। बहुत करके साहूकार प्रजा बन जावेंगे। तो जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट, ये तो आपके लिए सहज है ना, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा। अगर उनको समझा दिया कि गुड नाइट नहीं करना, गुड नाइट तो दूर वालों को किया जाता है, जो बहुत क्लोज कांटेक्ट वाले होते हैं उन दोस्तों को और घने संबंधी को साथ लेके सोया जाता है, तो क्या होगा है? वो अपने जीवन में किस बात के आदी है? है? बाप के साथी है ना, वो प्राप्ति होगी और ना ये प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए इतना ही समझाना है कि सुबह को उठो तो गुड मॉर्निंग और शाम को सो जाओ तो बाबा गुड नाइट। क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया तो वरदान मिल जाएगा। तो ऐसे करना,
बाप दादा का आपसे प्यार है, तो ये करते करने से और भी आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी, तो मंजूर है। और सहज योगी बनो, बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस ये हो गए सहज योगी। चलते फिरते याद करो मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये तो याद कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छा। ये तो हुआ इन बच्चों से रूरेहन। क्या बोला? यह तो हुआ तुम बच्चों से रूरेहन नहीं, इन बच्चों से रूरेहन। आखिरी वाक्य में क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया है? डायरेक्ट बात उनसे नहीं कर रहे, किससे कर रहे? तुम बच्चों से कर रहे हैं। अभी आप सभी जो वारिस हैं, इन बच्चों से तो हो गई बात, अभी आप जो वारिस हैं, ये नहीं कहा, ये वारिस हैं। इनको वारिस बताया है? नहीं बताया। सुख शांति में रहने वाली 21 जन्मों की प्रजा बताया, और आप जो वारिस हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वो हाथ उठाओ। जिन्होंने हाथ उठाया उनसे पूछा, वारिस हैं आप लोगों के साथ साथ VIP भी सब हाथ उठा रहे हैं कि हम भी वारिस हैं। अच्छा, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी को आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करना, बाप दादा को ये संकल्प देना कि हम अभी से, कभी से नहीं, अभी से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है? है तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं पक्का संकल्प है मन का, हाथ उठाने का नहीं है, मन का हाथ उठाने का, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब पीछे वाले हाथ उठाए रहे हैं। जो पक्के हैं वो दोनों हाथ उठाओ। तो आज कौन सा दिन है? व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है, अर्थात समर्थ बनने का दिन है। सदा समर्थ। और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और अशांति को समाप्त करने का दिवस समीप लाना। तो दो काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। दोनों ही काम ठीक हैं। कान तो हिलाओ, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की बात, दुख की आह बहुत सुनाई दे रही है। 15/3/2010 की अभ्यक्तवाणी का चौथा पेज। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं, तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों का वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए। आपको रहम क्यों नहीं आता है? वैराग, बेहद का वैराग, और रहम भी आना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों में क्यों, क्या, कैसी कि क्यों में टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी हे बाप दादा के सिकील दे बच्चे, पद्मा पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ, कर्मयोगी बनो।
आप कर्मयोगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुख हरता सुख करता सुख देवा स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार को पूरी करो, दुखियों के दुख की आवाज सुनो। अभी हरेक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व के दुख परिवर्तन कर दुख की दुनिया लाने वाले, दुख की दुनिया को भगाने वाले और सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का ये आना जाना कब तक चलेगा? इसलिए सब अचानक होगा। तो अभी बारिश क्वालिटी वर्षा दिलाना, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, होना है नहीं करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने का जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न प्रकार की है। जितना सोचते हो जमा किया होता है, होता तो जमा है, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा काल के लिए जमा नहीं होता है। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क हो जाता है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रति हलचल नहीं हो, क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुख से कंट्रोल किया है। कोई कोई ने अच्छा संकल्प लिया भी है, अच्छा कंट्रोल भी किया है, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, मिटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया है, समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को नुकसान है। समझा? अच्छा, आज सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु, पौना हाल तो इसी जोन वाले हैं। अच्छा, सेवाधारी सिर्फ सेवाधारी उठो, बाकी ऐसे जो साथ आए हैं वो बैठ जाओ, बहुत हैं, अच्छा है। तो अभी विशेष है ईस्टर्न जोन, और ईस्टर्न में भी बहुत भाग हैं। तो इस ईस्टर्न जोन की विशेषता है, उसमें भी विशेषता है कलकत्ता की, जहां से ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। तो जिस धरनी पर ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, वो धरनी कितनी महान है। और बंगाल बिहार ये भी कोई कम नहीं है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बिहार में सेवा का साधन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बिहार के लोग चाहना बहुत अच्छी रखते हैं, और बिहार में अभी अभी जो हलचल हुई है, उसमें बहनों ने, बिहार के भाइयों ने जो कार्य किया है, जो उनको चाहिए था जीवन के लिए वो प्राप्त कराने का और ज्ञान सुनाने का, मन का भोजन और तन की परवरिश दोनों की है। इसलिए बिहार में नाम बहुत अच्छा फैला है, प्यार से सुनते हैं, ये सेवा दिल से की है। बाप दादा ऐसी डबल सेवा सिर्फ चीजें देने की नहीं है,
सेंटर भी खोले हैं और डबल सेवा करने वाले बिहार के बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। वैसे तो देखा जाए और जगह पर भी करते हैं और की भी है, कोनों का नाम ले नहीं लेते हैं लेकिन करते रहते हैं। फॉरेन में भी किया है, इंडिया में भी किया है, लेकिन बिहार की विशेषता ये है कि जहाँ जगह जगह पर ज्ञान की वर्षा बहुत अच्छी की है। कितने सेंटर्स खोले हैं, कोई ने कहा एक वर्ष में 12 सेंटर 12 जिलों में खोले हैं। ठीक है, गीता पाठशालाएं भी खोली होंगी, कोई ने कहा वो भी खोली है। अच्छा है, बाप दादा को ये सेवा बहुत अच्छी लगती है। जहां भी ऐसी हालत हो वहां ये डबल सेवा करनी चाहिए। सेंटर खोलने में निमित्त आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि वहां की हालत खराब होती है, लेकिन फिर थोड़े समय में आपके सहयोगी अच्छे बन जाएंगे। और बाप दादा ने देखा कि अभी इस जोन में भी सेवा फैल रही है, चाहे बंगाल है, चाहे बिहार, चाहे उनके साथ ही नेपाल भी है, उड़ीसा भी है, आसाम और तमिलनाडु, इनके साथ ही बहुत है। क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रगटा तो सेंटर भी बहुत हैं और साथी भी बहुत हैं। और आज तक बाप दादा ने देखा कि हर एक एरिया को, चाहे बड़ा एरिया हो या बड़ा नहीं है, छोटा जोन नहीं है, बड़े जोन हैं, छोटे जोन हैं, लेकिन छोटों में भी सेवा का उमंग उत्साह बहुत है और रुचि से किया भी है और कर भी रहे हैं। 15 मार्च 2010 की वाणी का 5वां पेज। इसलिए इन सब जोन में जो भी नाम ले रहे हैं उन सब तरफ सेवा का बोलबाला हो गया है। और रिजल्ट में ये भी देखा गया, जो रेगुलर स्टूडेंट भी बने हैं, चाहे बड़े या छोटे प्रोग्राम्स, मीडिया का भी साथ है, लेकिन अभी जो बाबा ने कहा कि समय को समीप लाओ, उसकी तैयारी जल्दी से जल्दी करना है। अच्छा, बाप दादा जो बंगाल बिहार की तरफ से आए हैं उन सबको मुबारक देते हैं। यज्ञ सेवा का पुण्य का कार्य अच्छा संभाल रहे हैं। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बाप दादा ने एक बात देखी कि सभी को कम संख्या में आने के बजाय बड़ी संख्या में आना पसंद आ गया। दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी कुंभ के मेले से शुद्ध खाना तो मिलता है, रहने के लिए चलो टेंट भी तो मिलता है, लेकिन जो भी आते हैं बाप दादा उन्हों का प्यार देख करके, क्योंकि प्यार में कुछ भी देखना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है तो पता नहीं पड़ता, कर रहे हैं, खुशी खुशी से करते। तो बंगाल बिहार के जोन ने भी सेवा का पार्ट अच्छा बजाया। अच्छा, यहाँ जो भी बैठे हैं इनों में से किसी को तकलीफ है सोने की या खाने की तकलीफ है, वो हाथ उठाओ। जिसको खाने की सोने की तकलीफ हो बताओ, हाँ बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, तमिलनाडु, क्योंकि आजकल तमिलनाडु भी सेवा के उमंग उत्साह में है। बाप दादा ने समाचार भी सुना, ये जो शिव का मेला मनाया है उसकी सेवा जगह जगह पर जाके भी करते हैं, फायदा और देशों को भी पहुंचाते हैं, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि फिर भी विशेष तो शिव बाबा का परिचय है ना, उसमें शिव बाबा का ही परिचय मिलता है, ये सेवा और देशों में भी जाकर करते हैं। ये बाप दादा को अच्छा सेवा का समाचार लगा, करते रहो। और अच्छा है, आपस में जिस जोन की यूनिटी है, यूनिटी स्वतः ही पुण्य का काम कराती है, उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा ने देखा कि सभी ने, सारे जोन ने मिलकर के जो हाल बनाया है, सबके सहयोग से, जोन के सहयोग से जो हाल बनाया है, ये एक दो में
जॉन वालों का सहयोग, ये बात भी अच्छी है, क्योंकि जॉन इकट्ठा इसलिए किया जाता है कि एक दो के नज़दीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना, मेरी एरिया नहीं, सब मेरे हैं, आवश्यकता जहाँ है वो सब मेरा है, चाहे जॉन नाम अलग अलग है लेकिन यहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना, ये महापुण्य। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ। ये बाप दादा को अच्छा लगा, तो संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे, हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा है, हम सब एक हैं, ये तो सेवा के कारण, कोई देख रेख हो सके इसके कारण जॉन बनाया है, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के हैं और एक के रहेंगे, अच्छा है। नेपाल, नेपाल की सर्विस का समाचार सुनाते रहते हैं, जहाँ जैसा वायुमंडल है उस हिसाब से सेवा की वृद्धि युक्ति से अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा नेपाल की सर्विस सुनकर के खुश होते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये आध्यात्मिक सेवा कम नहीं होती है। बढ़ती जाती है लेकिन कम नहीं होती है। सेंटर बढ़ रहे हैं, हलचल में अचल हैं। सेंटर बढ़ रहे हैं फिर हलचल काहेगी है? सेंटर बढ़ते हैं तो खुशी होती है कि हलचल होती है? फिर ये क्या कह दिया है? सेंटर बढ़ रहे हैं, हलचल में अचल है, इसलिए बाप दादा को नेपाल की सेवा पर बहुत नाज है, बहुत अच्छा है। ये सब नेपाल उठा रहा है। और नेपाल उठा है, नेपाल वाले हाथ ऊंचा करो। ये अच्छा बनाया है कि जॉन जॉन को मिलने से वो जी भर करके आ जाते हैं और सेवा भी करते हैं और सभी को सेल्वेशन भी मिल जाती है। अच्छा, डबल विदेशियों से, डबल विदेशियों को बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल पुरुषार्थी। तो बताओ डबल पुरुषार्थी, हाथ उठाओ। डबल विदेशी नहीं, डबल पुरुषार्थी, बहुत अच्छा है। बाप दादा हमेशा कहते आए हैं कि विदेश की सेवा ने बाप को विश्व में सेवाधारी सिद्ध किया। हैं? क्या बोला है? विदेश की सेवा ने बाप को विश्व सेवाधारी सिद्ध कर दिया। ये क्या बात हुई? पहले सिर्फ भारत सेवाधारी थे। कौन? लेकिन अभी हर टर्न में 90 देशों से, 80 देशों से डबल विदेशी ही आते रहते हैं। कहाँ आते रहते हैं है? अरे किसकी बात हो रही है? बाप की बात हो रही है। असल इस पैराग्राफ में किसकी बात हो रही? नब्बे देशों से, 80 देशों से डबल विदेशी आते हैं। किसके पास? बाप के पास। अच्छा, बाप के पास स्वदेशी नहीं आते हैं? तो बाप दादा को खुशी है कि हर सीजन में विदेश
विदेश में भी सेवा बढ़ती जा रही है और उमंग से हर टर्न में पहुंच जाते हैं, चाहे कितना भी दूर दूर से आने का प्रयत्न करना पड़ता है। बाप दादा को पता है, पहले शुरुआत में एक बार होके जाते थे और दूसरी साल के लिए बॉक्स में टिकट के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। फिर भी आते जरूर थे, लेकिन अभी तन मन धन सब में आगे जा रहे। 15-3-10 की अव्यक्तवाणी का छठा पेज। और बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि ये मधुबन में आके जो रिफ्रेश होते हैं और ग्रुप रिफ्रेश होते हैं, पर्सनल अटेंशन देते हैं, ये बाप दादा को पसंद है। और इस बारी की रिजल्ट भी बाप दादा ने सुनी तो एक दो के इसने ही सहयोगी बनकर के एक दो को कोई भी इशारा देने में, पुरुषार्थ तीव्र करना में कोई भी कमी नहीं है। और कमी है तो खुशी दिल से एक दो में सहयोग दिया है। ये बाप दादा को समाचार पसंद आया, क्योंकि जब तक अपनी कमी को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा को पुरुषार्थ की विधि अच्छी लगी। थोड़े थोड़े आपस में मिलकर के जो मीटिंग करते हो उसमें अटेंशन ज़्यादा जाता है, तो डबल विदेशी डबल पुरुषार्थी है। ये बाप दादा ने मधुबन के समाचार में ज़्यादा देखा। बाकी सभी जो भी आए हो, अभी अपने को निर्विघ्न समझते हो वो हाथ उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी है, कोई कोई नहीं भी है, लेकिन मेजॉरिटी है। तो बाप दादा आज डबल विदेशियों को डबल वरदान देते हैं। एक तो सेवा का सेंटर की वृद्धि बढ़ाओ, रेगुलर स्टूडेंट बढ़ाते चलो, बढ़ेंगे। और दूसरा, एक दो को पुरुषार्थ करने और कराने का जो मीटिंग बनाई है, जो हर वर्ष करते रहते हैं, उसका भी फायदा जितना उठाना चाहिए उतना और उठाते चलो। बाकी आपस में जो बनाया है विधि अच्छी है, इससे और ज़्यादा प्रोग्राम्स हो सकते हैं। इसको अटेंशन दे करके और बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। बाप दादा खुश है और दिल में क्या याद करते हैं, वाह बच्चे वाह। जो फर्स्ट टाइम बाप के समीप आए हैं उन बच्चों से, अभी की सीजन में मेजॉरिटी आधी क्लास से भी ज्यादा पहली बारी आए, क्योंकि जो रेगुलर हैं वो तो बाहर बैठ जाते हैं और क्लास में तो नए आकर के बैठते हैं। अच्छा, सभी ने देखा कितना परिवार बढ़ रहा है। बाप दादा कहते हैं वाह परिवार वाह, अभी तो जो भी स्थान बनाएंगे वो छोटा होना ही है, प्लान बनाना है ना, क्योंकि अभी आप सभी का अटेंशन संदेश देने में अच्छी तरह से गया, तो जो इतनी सेवा होती है उनमें से वृद्धि तो होगी ना। तो पहली बारी आने वालों को बाप दादा पहली बारी आने की बहुत बहुत पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी निर्विघ्न बन, आने वाली समस्याओं को स्वयं व सहयोग से जल्दी समाप्त कर उड़ते चलो। अभी चलने का समय पूरा हो गया, आप जब आए हो तो अभी उड़ने का समय है, तो उड़ने के समय पर चलना नहीं, उड़ना। तोड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ये बाप दादा का विशेष वरदान और एक्स्ट्रा मदद
पहले आने वालों को मिलेगी। अभी चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं और साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं, और यहाँ शांति वन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो, खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो आपका चेहरा देख करके खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुशनुमा देख करके खुद ब खुद खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक एक वरदान। कभी चेहरा मुरझाया हुआ न हो, अगर आप मुरझाएंगे तो सारे विश्व का क्या हाल हो जाएगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन, इसी में रहना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते निर्मल शांता दादी से। आज क्या हुआ, वाणी कट कर दी अकेली निर्मल शांता से, ये अच्छा है। कोई भी हिसाब किताब चुकतू करने में साक्षी नजर आए, न्यारे प्यारे हो करके करने में एग्जाम्पल अच्छी बनी हो। अच्छा, ओम शांति।